तो हाँ यार, मैं हुसैन अली खान, आप देख रहे हैं दाबरो पोल्ट्री। आज ये मेरे पोल्ट्री फार्म का 23वां दिन, और 23वें दिन पर अगर मैनेजमेंट की बात कर लेता हूँ तो सबसे पहले आज मैं इन लोगों के ऊपर स्प्रे कर रहा हूँ, और स्प्रे इसलिए कर रहा हूँ जैसे कि कोई बीमारी उमारी ना आए, तो उसकी वजह से स्प्रे कर रहा हूँ। और ये जो स्प्रे हो रहा है, ये है कोसिन TH का है, ताकि इसको मतलब एक बार अगर, सबसे अच्छी स्प्रे के अंदर इसमें यह है कि इसमें इसको करने से वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन के काफ़ी खतरे काफ़ी ज़्यादा कम हो जाते हैं। और एक बार स्प्रे कर देने पे और ये तो ये 14 दिन तक आराम से अपना मैनेजमेंट संभाल लेता है, 14 दिन तक की प्रॉब्लम नहीं है। और एक बैच में शायद 2 से 3 बार इसका कोसिन TH का स्प्रे करना रहता है। पहला स्प्रे तो जब बर्ड नहीं आते तभी करना है, उसके बाद जब आपके बर्ड जो है 7वें दिन के रहते हैं तब करना है, उसके बाद जो 20वें दिन के रहते हैं 21वें दिन के रहते हैं तब करना रहता है। तो इस तरह से करना रहता है। और एक अगर आप अपने बर्ड को 40 दिन से ज़्यादा पालते हो तो 32वें 33वें दिन में भी कर दो तो काफ़ी अच्छा रहता है। तो ये कोसिन TH का मैं अपने फार्म में स्प्रे करवा रहा हूँ ताकि कोई भी प्रॉब्लम ना आए। वैसे भी इन लोगों में थोड़ा छिपछिप की प्रॉब्लम है, और छिपछिप की प्रॉब्लम आज जो मैंने क्या ऑब्जर्व किया है कि छिपछिप की प्रॉब्लम आज काफ़ी ज़्यादा कम है। अगर इन लोगों के वाटर मैनेजमेंट की बात करूँ तो उसमें मैं इन लोगों को दे रहा हूँ कोलिस्टीन सल्फेट दे रहा हूँ। कोलिस्टीन सल्फेट को इन लोगों को मैं दे रहा हूँ 1 ग्राम 4 लीटर पानी, 4 लीटर पानी के हिसाब से। तो अभी ये पानी लगा हुआ है। और अगर मैं इन लोगों के रात के पानी की बात करूँ कि मैं इन लोगों को रात में क्या दे रहा हूँ, तो रात में मैं इन लोगों को दे रहा हूँ MB Plex, जो कि एक विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है, और ताकि इन लोगों में जो भी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की कमी रहे वो ख़त्म हो जाए। और ये लंगड़ापन से काफ़ी ज़्यादा बर्ड जो होते हैं वो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की वजह से लंगड़े हो जाते हैं, तो उनके ऊपर भी ये काफ़ी अच्छा काम कर जाएगा। और इसे दे रहा हूँ 5 ml/100 बर्ड के हिसाब से। तो ये हो गई सारी बातें। अगर मैं फीडिंग मैनेजमेंट की बात करूँ तो फीडिंग जो है फुल फीडिंग है, फीडिंग में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है कि हाफ फीडिंग करें ऐसी फीडिंग करें, ऐसा कुछ नहीं है। सबका सब फीडिंग जो है फुल फीडिंग है, फीडिंग में कोई वो नहीं है, पूरी की पूरी फुल फीडिंग दी जा रही है सुबह में भी और शाम में भी। बर्ड को कुछ कुछ जो फीडर होते हैं उसे बर्ड पूरी तरह से ख़त्म कर जाते हैं, कुछ फीडर को बर्ड नहीं ख़त्म कर पाते, तो वो प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी दिया जा रहा है, फुल फीडिंग ही दिया जा रहा है। अगर बात कर लेते हैं मोर्टैलिटी की, तो आज एक मोर्टैलिटी और हुई है, और ये कुछ अजीब ही तरीके से मोर्टैलिटी हुई है। ये पूरा लाल हो गया है, मेरे ख्याल से इसमें किडनी की कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, और ये स्प्रे की वजह से बर्ड बाहर आ गया। तो बस यार, यही था आज के 23वें दिन का मैनेजमेंट। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, और यार इस वीडियो को देखते हुए अगर यहाँ तक आ गए हो तो इस वीडियो को शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। तो बस यार, मैं हूँ हुसैन अली खान, आप देख रहे थे दाबरो पोल्ट्री। थैंक यू फॉर वॉचिंग दाबरो पोल्ट्री।